अब आते हैं ओ के ऊपर। हालांकि चलो ओ के ऊपर हम आगे चलकर बात करेंगे, फिलहाल मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। ओ को खुद नहीं पता होता कि उसके बच्चे पल रहे हैं। ओ को अपने बच्चों का बिल्कुल ख्याल नहीं होता, वो ज्यादा ध्यान नहीं रखता अपने बच्चों का। उसके बच्चे बस पल रहे होते हैं, ये उसके नेबर्स को पता होता है, पड़ोसियों को पता होता है कि ओ ब्लड ग्रुप के इंसान के बच्चे पल रहे हैं। ए ओ ब्लड ग्रुप का जो इंसान होता है वो अपने बच्चों की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देता, ज्यादा केयरफुल नहीं होता। ये लोग बड़े लापरवाह होते हैं अपने बच्चों के प्रति। बस बच्चा पैदा हो गया, उसके बाद इनकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। जो ओ ब्लड ग्रुप के लोग अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, उनके साथ इमोशनली अटैच होते हैं, वो बहुत कम होते हैं। 100 में से सिर्फ 10% ही ओ ब्लड ग्रुप के लोग ऐसे होंगे जिनको अपने बच्चों से प्यार होता है, जो अपने बच्चों को नैतिक शिक्षाएं देते हैं, उनको समझाते हैं, कुछ बताते हैं। नहीं तो ओ ब्लड ग्रुप के जो लोग होते हैं, इनके बच्चे इनकी जिम्मेदारी के बाहर ही पल रहे होते हैं, अपनी मर्जी से कहीं से कुछ भी सीख लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, कहीं भी घूमने चले जाते हैं, अपने दोस्तों के साथ चले जाते हैं, बताकर नहीं जाते, छुपे छुपे रहते हैं, गुमसुम रहते हैं, बड़े मौन रहते हैं या फिर शांत रहते हैं। तो ओ ब्लड ग्रुप का ये हाल होता है। बाकी यहां तक रिलेशनशिप में सबसे अच्छा माना जाता है ब्लड ग्रुप ए के लोगों को, क्योंकि वो बहुत केयरफुल होते हैं। बी के लोगों को इसलिए अच्छा माना जाता है क्योंकि वो स्ट्रांग बहुत होते हैं इमोशनली और किसी भी परेशानी को झेल लेते हैं। और ए बी के जो लोग होते हैं वो अपने बच्चों को दोनों तरह की शिक्षाएं देते हैं। वो इमोशनली भी अपने बच्चों को अच्छी ट्रेनिंग देंगे और फिजिकली भी अच्छी ट्रेनिंग देंगे। ए ब्लड ग्रुप के लोग निडर होते हैं, बिल्कुल नहीं डरते। अगर कहीं लड़ने की बात हो, फाइट की बात हो, लड़ाई की बात हो, झगड़े की बात हो, तो ए ब्लड ग्रुप के ही इंसान होते हैं जो सबसे पहले वार करते हैं। बी ब्लड ग्रुप के लोग डरपोक होते हैं, ये बस ऊपर ऊपर से बोलते रहते हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, लेकिन ये लोग करते कुछ नहीं। तो बी ब्लड ग्रुप के लोग किसी से लड़ाई नहीं कर सकते, ये सिर्फ बोल सकते हैं, लड़ नहीं सकते। जब लड़ने का टाइम आता है तो ये कहीं गुम हो जाते हैं या फिर अपने दोस्तों को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। और ए बी, अगर कहीं लड़ाई हो गई है, कुछ हो गया है, तो वो लड़ेगा भी और अपनी लड़ाई को छुपाएगा भी। मान लो कहीं 3-4 दोस्त हैं, वो आपस में लड़ रहे हैं या फिर किसी की पिटाई कर रहे हैं, ऊपर से पुलिस वगैरह आ गई है, तो ए बी ब्लड ग्रुप का जो इंसान है वो कहेगा मैं तो लड़ ही नहीं रहा था जी, ये लड़ रहे थे, मैं तो इनको बस इनका समझौता करवा रहा था। तो ऐसे डायलॉग वो मारते हैं, वो गायब हो जाता है। कई वो ऐसे भी होते हैं जो लड़ भी लेते हैं, लेकिन ज्यादातर वो इनके अंदर भी लड़ने की क्षमता नहीं होती, ये भी ऊपर ऊपर से बोलते हैं लेकिन किसी से लड़ते नहीं हैं। लड़ने में या किसी को मारने में सबसे माहिर जो होता है वो ए ब्लड ग्रुप के इंसान होते हैं। अभी हम चलो एक्स्ट्रा पॉइंट्स के ऊपर बात कर रहे हैं, आगे मैं आपको और बताऊंगा कि इन इन सारी चीजों के कारण क्या होते हैं। ए ब्लड ग्रुप के जो लोग होते हैं इमोशनली बड़े स्ट्रांग होते हैं, ये अपने इमोशंस को अलग रखकर अपना काम करते हैं। ये अपने काम में अपने इमोशंस को नहीं घुसाते, ये अपने इमोशन को अलग रखते हैं, अपने काम को अलग। इसीलिए ये किसी काम के ऊपर बड़ी ज्यादा टाइम तक फोकस करके रख सकते हैं, बड़ा ज्यादा टाइम तक फोकस कर सकते हैं, लंबे टाइम तक फोकस कर सकते हैं। कोई भी अगर ये ट्रेनिंग कर रहे हैं तो उस ट्रेनिंग को पूरे फोकस के साथ करेंगे, पूरे ध्यान के साथ करेंगे। अगर ये किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बड़े फोकस के साथ करते हैं, जो ए ब्लड ग्रुप के लोग होते हैं। बी ब्लड ग्रुप के लोग, इनका ध्यान बार बार भटकता है, ये ज्यादा टाइम तक फोकस नहीं कर पाते। ए बी के बारे में आपको क्लियर ही है कि कभी वो किसी काम को करता है, कभी उसे छोड़ देता है। थोड़ा टाइम किसी काम को करते हैं, फिर आराम करना शुरू कर देते हैं। और ओ ब्लड ग्रुप के लोग थोड़े लेजी होते हैं, ये वो काम करना पसंद करते हैं जो बैठकर करने वाला काम हो, जिसे बैठकर किया जा सके, जिसके ऊपर सिर्फ दिमाग लगाना हो, जिसके ऊपर ज्यादा दिमाग लगता है वो काम ओ बड़ी आसानी से कर लेता है, बैठकर करने वाला काम। जो लोग ओ के भागदौड़ वाले काम करते हैं, घूमने फिरने वाले काम करते हैं,
उनके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। तो फिलहाल हम एक्स्ट्रा पॉइंट्स के ऊपर बात कर रहे हैं, जैसे जैसे आगे आगे टाइम मुझे मिलता रहेगा तो मैं आपको इन सभी ब्लड ग्रुप्स के एक्स्ट्रा पॉइंट बताता रहूंगा, क्वालिटीज बताता रहूंगा, डिसक्वालिटीज बताता रहूंगा, ताकि आपको खुद को समझने में हेल्प मिले और आप अपने दोस्तों को भी समझ पाएंगे और रिश्तेदारों को भी समझ पाएंगे। अगर आपकी अपने किसी फ्रेंड के साथ, किसी रिश्तेदार के साथ, किसी आपके साथी के साथ किसी बात के लिए लड़ाई होती रहती है या झगड़े होते रहते हैं, उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी। वो झगड़े कम हो जाएंगे जब आप इन चारों ब्लड ग्रुप्स को अच्छी तरह समझ लोगे। आपको पता चल जाएगा कि ये लोग जैसा बिहेव करते हैं वैसा क्यों करते हैं, उनके कारण क्या हैं, और अपने आप आपकी काफी सारी मुश्किलें जो हैं उनका सलूशन आ जाएगा। मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं होता और ना ही मैं ज्यादा केयरफुल हूं ये वीडियोस वगैरह लेक्चर वगैरह बनाने में। जब मेरे पास टाइम होता है तो मैं रिकॉर्डिंग कर लेता हूं, अदरवाइज दूसरे कामों में मैं बिजी होता हूं। ये किसी ने आज कॉल की थी, किसी बच्चे ने पूछा था कि थोड़ा और बताइए चारों ब्लड ग्रुप्स के बारे में, तो टाइम निकालकर मैंने ये रिकॉर्डिंग की है।